हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। सेट डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। सेट डेटा टाइप में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती है। अब इसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ। देखिए, ये जो है सेट डेटा टाइप का एग्जांपल है। यहाँ ए नाम का वेरिएबल है और यहाँ पर सेट डेटा टाइप का यूज किया हमने, और जब हम इसको रन करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए रन मॉड्यूल पर चलते हैं और रन करवाया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रन करवाते समय यहाँ पर मैंने पाइथन एक बार लिखा, जावा एक बार लिखा, सी प्लस प्लस एक बार लिखा और फिर जावा दूसरी बार भी लिखा है, लेकिन सेट डेटा टाइप जो है डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। देखिए, यहां पर डुप्लीकेट वैल्यू अगर होती है तो उसको हटा देगा। तो यहां पर देख सकते हैं जावा एक ही बार प्रिंट हुआ, यहां पर दो बार लिखा हुआ है। देखिए ना, यहां पर एक बार है और यहां पर एक बार है। तो सेट डेटा टाइप कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा आपको, यह बात ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर इस आउटपुट को मैं क्लोज करता हूँ और फिर यहाँ पर कोई और डुप्लीकेट वैल्यू दे देते हैं, जैसे अभी जावा दिया हुआ है, मैं फिर एक और डुप्लीकेट वैल्यू पाइथन दे देता हूँ। ठीक है, ये लिख दिया पाइथन। अब पाइथन लिखने के बाद इसको क्लोज किया और यहाँ से एक बार इसको रन करवा देते हैं। तो रन करवाते समय ही सेव कर लेंगे हम। तो यहाँ पर जब ये रन होगा ना, तो आप देखेंगे कि पाइथन एक ही बार प्रिंट हुआ है, जावा भी एक ही बार प्रिंट हुआ है, जबकि पाइथन और जावा दो दो बार लिखा गया है। ठीक है, अगर तीसरी बार भी रिपीट करते हैं तब क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, फिर मैं रिपीट करता हूँ जावा को, जावा थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ लिखा जे ए बी ए, जावा लिख दिया और डबल डॉट कोट्स को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद यहाँ से रन पे जाना है आपको और रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू इज नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे अलाउ है ही नहीं। ठीक है, ओके।